हेलो ऑल दिस इज़ सानवी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी सो आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है ये रीडिंग जनवरी 2021 के लिए है ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो तो अगर आप किसी अपनी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो लेट्स स्टार्ट कि जनवरी का महीना जनवरी 2021 ट्वेंटी यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है फॉर जनवरी 2021 व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर जनवरी 2021 व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर जनवरी 2021 सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पर King of Pentacles, Four of Wands, Strength, Justice, Death. Okay, बहुत सारे कार्ड्स हैं. थोड़ा सा कार्ड्स को अरेंज कर लें यहाँ पर. Page of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Swords, Eight of Cups. सो so, लग रहा है ना ये कैप्रिकॉन की रीडिंग है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स इतने सारे तो पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं हमारे पास यहां पर तो दिस इज अप्रिकॉन रीडिंग और बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग निकल कर आई है सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग पहले तो यहां बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है देखिए जनवरी के महीने में आप को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं इसमें कोई भी इल्यूजन जैसी चीज़ नहीं है लेकिन अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आप सिलेक्ट करेंगे खुद अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर बहुत ही चेंजिंग टाइम है आप लोगों के लिए एज़ जनवरी के महीने में कैप्रिगॉन्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं ठीक है लेकिन बेस्ट क्या है आपके लिए वो आपको खुद चूज करना है भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है अपनी जो ग्रीड की एनर्जीज़ है उनके ऊपर कंट्रोल रखेंगे वैसे तो कैप्रिकॉन्स आज के टाइम पर ग्रीडी नहीं है लग रहा है क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट टाइम कैप्रिकॉन्स के लिए टाइम बहुत पहले से बदल गया था ठीक है उस टाइम में बहुत कुछ सीखा है आपने तो अब ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं इसके बीच में से अपने लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये चॉइसेस होने वाली हैं आपके लिए आपकी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होने वाली है चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो लव लाइफ हो करियर हो जॉब हो फाइनेंस हो बिजनेस हो किसी भी तरह का स्पेयर हो आपकी जिंदगी का वहां पर आपको इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है ओके सो कैप्टिकॉन्स इतना कुछ सीखा है इतना कुछ समझे हैं इतने वक्त में अपने ऊपर काम भी बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ने कर लिया है आपके लिए टाइम सितंबर ऑनवर्ड्स बदल चुका था आप अभी भी कुछ कैप्रिकॉन्स होंगे पुराने फेज में भी होंगे आप अब पिछले मंथ की एनर्जीज़ को चेक कीजिए आपको पता लग जाएगा लेकिन ये जो महीना है ना ये आपको अंदर से कलेंस करने वाला है दुनिया के सामने तो आप बहुत खुश हैं किसी को नहीं बताते हैं कि अंदर क्या चल रहा है आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ दुख है इस वजह से आपके पास जितनी चीज़ें आज के टाइम पर आ रही हैं ना वो आपको इंटरनली चेक नहीं कर रही हैं वो आपको इंटरनली टच नहीं कर रही हैं वो चीज़ें आपको अंदरूनी खुशी नहीं दे रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे कैप्रिकॉन्स अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं तभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लेकिन ये एनर्जी पर आपको काम करने की ज़रूरत है आप खुद से प्यार करने लगे हैं लेकिन जो आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं ना जो आपने अपने अंदर ही अंदर दबा ली हैं उन एनर्जीज को अब आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स सब कुछ हो गया है वो जो डोमिनेटिंग इंसान आपकी ज़िंदगी में था उस एनर्जी से आपने टैप आउट कर लिया जनवरी में तो वो एनर्जी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है इस एनर्जी से आपको फाइट करके अब बाहर निकलना है ठीक है अगर किसी भी तरह का आपने हर्डल देखा है या अभी भी कुछ अंदर फेस कर रहे हैं इमोशनल कुछ फेस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन से अब आपको बाहर निकलना है और जनवरी में आपको ऐसा मौका मिलने वाला है चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आपने इतनी मेहनत की है तभी चीजें आपको मिल रही हैं आपने आपको इमोशनली सैटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए ये बातों से नहीं होगा इस चीज के ऊपर भी आपको काम करना होगा कैप्रिकॉन्स तो वैसे ही मेहनत बहुत करते हैं एक ही तो हर्डल रह गया है इसके ऊपर भी मेहनत कर लीजिए ओके ये कोई बाहरी हर्डल नहीं है ये आपके अंदर का ही हर्डल है क्यों आप भी तो हर एक चीज अच्छी डिजर्व करते हैं कैप्रिकॉन्स क्यों नहीं करते हैं करते हैं ना तो फिर अब ये जो सैड एनर्जी है कि हाँ ठीक है सब चीज़ें होती जा रही हैं लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कोई कमी आपको खल रही है ये कमी नहीं है ये आपने लिए अपने लिए ब्लॉकेजेस अपने लिए क्रिएट कर ली थी क्योंकि चीज़ों को आप लेट गो करते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे थे लेकिन उदास थे आपने सारे हर्डल्स क्लियर कर लिए दिस इज द लास्ट वन और वो आपके लिए है ओके okay? द अदर एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म तो कर लिया है और बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जो अभी भी इस प्रोसेस में हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जनवरी 2021 में कंप्लीट होने वाली है आप बिल्कुल नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं वो कोई भी स्पेयर आपकी लाइफ का हो हर एक स्पेयर में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आपका चीज़ों को सोचने का समझने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका है एक यही एनर्जी है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना तब कहेंगे उसको हंड्रेड परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओके तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आप आपको प्लीज ट्रांसफॉर्म कीजिए थोड़ा सा ही काम रह गया इसको भी कर लीजिए इससे वैसे ओवरऑल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन जो सेल्फ ग्रोथ है ना वो सेल्फ लव के साथ आती है आपको सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करना होगा कैप्रिकॉन्स सो डू डू योर वर्क कंप्लीटली ओके तो यहां पर फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है तो कैप्रिकॉन्स आप जनवरी में मुझे यहाँ पर मेडिटेट करते हुए नजर आ रहे हैं आप अपने इमोशंस पर बहुत सारा काम करने वाले हैं आप ये जो एनर्जी है इसके ऊपर बहुत सारा काम करने वाले हैं आपने पहले भी काम मेडिटेशन से किया है इनर वर्क से किया है आप उसके रिगार्ड में ही थोड़ा काम और करने वाले हैं जनवरी में मुझे दिखाई दे रहा है आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होने वाले हैं ओके बिकॉज uh, ये एनर्जी तो आपने बहुत पहले छोड़ दी थी आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं अगर आप करते भी हैं लोगों के साथ कनेक्ट तो उनके साथ उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि कोई आपको हर्ट कर जाए सेम आप हर एक स्पेयर में लव लाइफ हो आपकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हो आपका जॉब हो करियर हो उसमें आप ऐसे ही करने वाले हैं क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचने वाले हैं विच इज़ वेरी गुड आपको सोचने की ज़रूरत है ओके okay? ओवरऑल जनवरी में नज़र आ रहा है कि आप बैलेंस अटेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ये बैलेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये बैलेंस आपका ऑलमोस्ट 95 परसेंट आप अचीव कर लेंगे जॉब में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं आप प्रमोशन होने के चांसेस हैं बिजनेस के अंदर आपको फायदा मिलने के चांसेस हैं और करियर के और भी ऑप्शंस आपके सामने खुलते हुए नजर आएंगे आपका इनकम सोर्स बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है लाइफ लाइफ के अंदर भी कही कहीं ना कहीं बैलेंस आप अटेंड कर लेंगे और आप उस बैलेंस से सैटिस्फाइड होंगे ओके तो इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए कैप्रिकॉन्स द अदर कार्ड इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए मैंने कहा ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है तो आप एक प्रपोजल चाहते हैं और प्रपोजल आपको जनवरी में मिलेगा यह प्रपोजल लव प्रपोजल भी हो सकता है यह प्रपोजल आपका लाइफ टाइम प्रपोजल भी हो सकता है मींस मैरिज जैसी कोई चीज भी हो सकती है दूसरी चीज है फाइनेंशियल प्रपोजल तो ये डेफिनेटली है ही है आप बिजनेस में किसी नए वेंचर पे काम करना चाहते हैं वो प्रपोजल यहां पर नजर आ रहा है कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं आप देंगे अगर जनवरी में उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव निकलने वाला है आप कोई घर बनाना चाहते हैं उसका ऑप्शन यहां पर नजर आ रहा है तो फाइनेंस में ओवरऑल गेन की एनर्जी है आपके लिए ओके द अदर कार्ड इज द जस्टिस कार्ड देखिए जिंदगी में अब वो बैलेंस आ रहा है जिसकी कामना आप आज से पांच साल पहले करते थे कैप्रिकॉन्स 2015 ऑनवर्ड्स कैप्रिकॉन्स की लाइफ बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है आप स्टाउन आपने बहुत देखे हैं आप एक कमांड चाहते थे अपनी जिंदगी में लेकिन वो कमांड आपको मिली है मेहनत करने के बाद जस्टिस के साथ ओके अगर किसी के कैप्रिकॉन्स आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वो यहाँ पर बैलेंस के साथ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर आप विक्ट्री हासिल करने वाले हैं आपके लव लाइफ के अंदर बैलेंस नजर आ रहा है जॉब करियर ओवरऑल लाइफ के अंदर कैपिकॉन्स आपका बैलेंस नजर आ रहा है आपकी प्रॉब्लम्स दीज आर नॉट रिलेटेड टू बेसिकली फाइनेंसेस ठीक है आपकी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया आपको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स ने मींस आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी ही खत्म होती हुई आपको नजर आ रही थी जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था लेकिन ये अब आप विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं कैप्टिकॉन्स आप बहुत स्ट्रेंथ से काम करने वाले हैं आप ओवरऑल आपके पास बहुत अंदर से जो कहते हैं ना विल पावर कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा है जनवरी में आप पूरे बल से काम करेंगे पूरी सूझबूझ के साथ काम करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाले हैं और उस काम में आप सक्सेसफुल होंगे आपको हर काम करने का तरीका पता है तभी आप उस डायरेक्शन में काम करने वाले हैं तो ओवरऑल बहुत ही एंथुजियास्टिक एनर्जी है बहुत ही ज्यादा आप यहाँ पर मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं तो जनवरी के मंथ में यू विल बी वेरी एक्टिव और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी हर एक लाइफ के स्वेयर को आप संभालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं ददर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगेन ये प्रॉस्पैरिटी का कार्ड है आपकी जिंदगी के अंदर आपको ओवरऑल प्रॉस्पैरिटी मिलने वाली है कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए ये जो प्रॉस्पैरिटी की एनर्जी है ओवरऑल प्रॉस्पारिटी की एनर्जी ये बहुत लंबे टाइम से चल पड़ी है लेकिन इसमें आप धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं और जानवरी में भी ये चीज़ कंटेनर्ड है आप आगे की तरफ को जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बढ़ती जाएगी वो एनर्जी इसी टर्म्स में आपको हमेशा नज़र आएगी अपने कार्ड्स में आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आप जितनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं जितनी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ को मूव करने वाले हैं उतनी ज़्यादा आप प्रॉस्पारिटी की एनर्जीज में रहेंगे और अथॉरिटेटिव पोजिशन्स पर रहेंगे मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में सोचें तो भी आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं खुद के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं किसी और के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हैं आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में मूव करना पसंद करते हैं कैप्रिकॉन्स और ये आप आगे की तरफ को करते जाएंगे वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी द अदर फोर ऑफ वॉन्स का, का कार्ड है इलेवन इलेवन कार्ड है कैप्रिकॉन्स शायद पिछली रीडिंग में भी ये कार्ड आपके लिए था ठीक है आप अपना मनपसंद घर बना पाएंगे आपका ड्रीम हाउस आप बना पाएंगे शादी कमिटमेंट की एनर्जीज यहां पर नजर आ रही हैं खुशहाली भरा माहौल नज़र आ रहा है आपके आसपास बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज होने वाली हैं देखिए एक चीज़ और बताऊँ ये जो सक्सेस वाले कार्ड्स हैं ये येलो ये भी येलो ये भी येलो कार्ड है ये भी येलो कार्ड है।, ये है ओके यहाँ पर भी बैकग्राउंड में येलो है तो एवरीथिंग इज कमिंग आउट पॉजिटिव फॉर यू शादी की एनर्जीज नज़र आ रही हैं जॉब में सक्सेस प्रमोशन आप नया घर ले सकते हैं और ओवरऑल uh, स्टेबिलिटी की एनर्जीज हैं खुशहाली भरा माहौल आप जनवरी में एक्सपीरियंस करने वाले हैं कैप्रिकॉन्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है अपना ड्रीम आप सक्सेस होता हुआ जनवरी में देखने वाले हैं आपका मेजर ड्रीम आपकी एक अच्छी जिंदगी है वो आप देखेंगे डेफिनेटली देखेंगे और uh, जॉब करियर फाइनेंसेस हर एक चीज में सक्सेस की एनर्जीज यहां पर नजर आ रही हैं वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स सो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाले लोग जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है आप पिछले मंथ की एनर्जी को चेक कीजिए अगर वो भी रेजोनेट नहीं हो रही है उससे पिछले मंथ की एनर्जी को चेक कीजिए वहां पर मैं मोड ऑफ एक्शन देती हूँ आप उस मोड ऑफ़ एक्शन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट साइकिल की एनर्जी में एंटर कर सकते हैं ये कोई राशिफल नहीं होता है ये ऐसा नहीं है कि जनवरी में ये एनर्जी है और अगर जनवरी में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो फेबररी में आप अगले एनर्जी साइकिल में एंटर कर जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है आप साइकिल में कहाँ पर हैं वो आपको फाइंड करना है ये कैप्रिकॉन्स की हाईएस्ट एनर्जीज हैं जिन कैप्रिकॉन्स ने अपने ऊपर काम किया है जिन लोगों ने एक स्ट्रगलिंग मोड देखा है वो मेरे साथ डेफिनेटली एग्री करेंगे कि अब जिंदगी स्टेबल होती जा रही है जिंदगी में मेहनत का फल मिल रहा है और ये फल धीरे धीरे आप लोग इंजॉय करते जा रहे हैं आई नो डेफिनेटली यू पीपल आर गोइंग टू एग्री विद मी ऑन दिस थिंग सो कैप्रिकॉन्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ओके Capricorns, let's see. Ki, what are the direct messages from universe from Akashic Record? So, what are the energies for Capricorns for January 2021? What are the energies for Capricorns for January 2021? I'll take out random cards. The karmic trench. ओके द अदर इज क्वीन ऑफ फोर्सेस वाव क्लियरिंग द वे वन कार्ड समर स्लैश विंटर ओके बॉटम ऑफ द डे डाइवर्सिटी ओके 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 कैप्रिकॉन्स मैंने कहा ना स्ट्रगल का पीरियड आपका बहुत लंबा था वो जो स्ट्रगल का पीरियड था वो आपका कार्मिक साइकिल था वो कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म होता हुआ जनवरी में नज़र आ रहा है आपने इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत की है कैप्रिकॉन्स मैंने कहा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोर्ट केस चल रहा होगा ठीक है वो भी आपका कार्मिक साइकिल था वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आपको आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं इन पाँच सालों में वो साइकिल खत्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है जॉब में अगर इनस्टेबिलिटी थी वो साइकिल ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको आपकी मनपसंद जॉब मिलने वाली है बिजनेस में सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है ये एक साइकिल था वो साइकिल ख़त्म हो रहा है आपने इस साइकिल के अंदर जिन जिन लोगों को फेस किया वो सब आपके कार्मिक्स थे ओके तो अब ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है द अदर थिंग इज द क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है बहुत ही बैलेंस का कार्ड है आप खुद में बैलेंस फील करने वाले हैं आपकी लाइफ में ओवरऑल बैलेंस आप फील करेंगे आपके लव लाइफ में बैलेंस फील करेंगे जॉब करियर ओवरऑल बैलेंसिंग एनर्जीज हैं और ये बैलेंस आपको नेचर डिवाइन के थ्रू मिल रहा है ओके और आपके अंदर एक क्षमता आपको नजर आएगी जानवरी में कि आप हर एक चीज को बैलेंस कर पाएंगे आपके खुद के अंदर ये क्वालिटी अब डेवलप हो चुकी है कैप्रिकॉन्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आपको एक कहते हैं ना सुख और दुख का एहसास होना बंद हो गया है आप बहुत ही न्यूट्रल अपने आप को फील करेंगे जनवरी में और ये एनर्जी बेस्ट एनर्जी होती है तभी आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करते हैं तो वो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी और कैप्रिकॉन्स ये जो कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था अगर अभी भी उसको लेकर आपको कुछ भी हर्डल है मतलब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो जनवरी में कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जिससे कि आपका ये जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा और आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को चल पड़ेंगे कैप्रिकॉन्स ये जो स्ट्रगलिंग टाइम का थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर मटीरियल अभी भी जिंदगी में है आपको लगता है ये आपके लिए कुछ ऑप्स्टिकल है कुछ ऑब्स्टिकल आप लेकर अपनी लाइफ में आगे की तरफ को बढ़ आए हैं तो ये भी ऑब्स्टिकल आपको क्लियर होता हुआ जनवरी में दिखने वाला है और ये जैसे ही ऑप्स्टिकल क्लियर होगा आप नए पात की और बढ़ रहेंगे आप अपनी लाइफ में अग... आगे की तरफ को बढ़ते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही मेचोरिटी के साथ ओके सो कैप्रिकॉन्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपका जो भी हर्डल है ना उसको बड़े ध्यान से समझिएगा आपको सॉल्व उस ऑब्स्टिकल को सॉल्व करने की जो एनर्जी है या जो भी उसका सॉल्यूशन है आपको मिलेगा जनवरी में ध्यान से देखिएगा अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान से समझिएगा ओके कैप्रिकॉन्स द अदर थिंग इज़ यहाँ पर समर स्लैश विंटर का कार्ड है आपकी लाइफ ना कहीं ना कहीं थम गई थी ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड था आपका वहां आप आप खुद तो एक्टिव थे आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी लेकिन वक्त थम चुका था आपके लिए आपकी जिंदगी रुक गई थी लेकिन ये जानवरी का मंथ आप को आपकी जिंदगी की ब्यूटी एक्सप्लेन करेगा आपकी ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल है ये आपको फील होगा जनवरी 2021 में आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल खुशहाली आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पैरिटी की एनर्जीज़ है आपकी ज़िंदगी में ब्राइटनेस है ये सारी एनर्जीज आपके लिए हैं कैप्रिकॉन्स फॉर जनवरी 2021 ओके सो वेरी ब्यूटिफुल द अदर इज यहाँ पर डायवर्सिटी का कारण है कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाले लोग आप लोगों का एक चीज़ को देखने का नजरिया बदल चुका है आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीकों से देखते हैं आपके देखने के पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं आप चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं कोई आपके आसपास क्या कर रहा है उसके मोटव्स आपको पहले से ही पता लगने लगेंगे जनवरी 2021 में आप नेचर को इंजॉय करते हैं जनवरी में आप चीज़ों की माइन्यूट जो डिटेल्स हैं उसमें भी जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब आपको चीजों को बारीकी से देखने की आदत हो गई है ओके सो जनवरी 2021 में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं कैप्रिकॉर्न वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज सो इन एनर्जीज को यूटिलाइज अच्छे ढंग से कीजिएगा आई नो एक साई ऑफ रिलीफ आप लोग फील करने वाले हैं जनवरी में बिकॉज टाइम जो स्ट्रगलिंग टाइम था आपका बहुत हार्ड था ठीक है तो बहुत अच्छी है नौ चीज़ें आपके लिए सो लेट्स सी कि जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों को क्या बता रहा है और क्या उनके लिए मोड ऑफ एक्शन है मीन्स मोड ऑफ एक्शन फॉर कैप्रिकॉन पीपल फॉर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन आपको क्या काम करना है खुद पर अब भी आपको काम करना है ऐसा नहीं है आपका जो इनर वर्क है वो खत्म हो चुका है या आपको कोई मोड ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करना है लेट्स सी कैप्रिकॉन्स की आपको जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अपने ऊपर क्या काम करना है या आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वॉट इज अ मोड ऑफ एक्शन फॉर कैप्रिकॉन पीपल फॉर जनवरी 2021. So first सो फर्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग मैंने कहा ना अभी काम खत्म नहीं हुआ है ट्रस्टिंग हेवन beautiful. ओके okay, दो cards अपने आप डिवाइन ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट miracles. साइकिक insight. देखिए कैप्रिकॉन्स आपका जितना भी काम है ना वो सब लाई करता है आपके थर्ड आई चक्रा पर और क्राउन चक्रा पर क्योंकि थ्री का काम आप कर चुके हैं सो so, क्या करना है फर्स्ट इज यहां पर हायर लर्निंग का कारण है आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है बहुत मिच्योर हो गए हैं लेकिन अभी भी इनर सेल्फ की और स्टडी आपको करने की जरूरत है मेडिटेट कीजिए कैप्रिकॉन्स आपने बहुत टाइम अकेले में स्पेंड किया है तो मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए बट हाँ कुछ टाइम अप जरूर अपने लिए ज़रूर निकालिएगा अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है आपके लिए ताकि आप हायर लर्निंग की तरफ को जा सकें और स्पिरिचुअलिटी क्या है अब आप जानते हैं ठीक है आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है अब कैप्रिकॉन्स उस नॉलेज को आपको एनहेंस करना अपने आप से प्यार करना है अपनी रिस्पेक्ट करनी नहीं भूलनी है आपको बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और मोड ऑफ एक्शन आपके लिए वो है जिसे करने में अब आपको मजा आता है ओके द अदर थिंग इज ट्रस्टिंग हेवन आर्केंजल माइकल का कार्ड है आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो कट रही हैं बहुत सारी कॉर्ड्स कार्मिक कॉर्ड्स आपकी कट चुकी हैं लेकिन आपको अभी भी डिवाइन के ऊपर भरोसा करते हुए आगे की तरफ को मूव करना है अगर आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आते हैं अगर आपको बाय चांस कि सिचुएशन कैसी होगी बिकॉज अभी आपका जो कार्मिक ट्रेंच है वो खत्म तो हो रहा है लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं उस ऑब्स्टिकल को पार करते हुए आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आगे की तरफ को मूव करेंगे तो हर ऑब्स्टिकल से आगे की तरफ को निकल जाएंगे आप सेफ हैं एंजल्स आपको सराउंड करते हैं और जितने भी आपके कंसर्न्स हैं ना जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं उसे आप डिवाइन के आगे सरेंडर कर दीजिए ओके और देखिएगा कि फिर मेरेकल कैसे होता है कैसे जादू होता है आपके लिए फिर देखिएगा आप तो ये आपका मोड ऑफ एक्शन है द अदर कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है आपको डिवाइन की तरफ से एक ऑर्डर है कि आप जो आज के टाइम पर फील करते हैं वो बिल्कुल सही है आपको किसी की एडवाइस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी ज़िंदगी का अनफोल्ड हो रहा है उसे दोनों हाथों से रिसीव कीजिए अपने क्राउन चक्रा पर काम कीजिए अपने ठोड चक्रा पर काम कीजिए आपके लिए यही ब्लेसिंग है ओके वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड डिवाइन आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं अब कि ये वक्त आपने जो मेहनत की है उसके फ्रूट्स इंजॉय करने का है तो अब आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए जो मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए वो सिर्फ यही होना चाहिए कि आप अपनी रूटीन को खराब नहीं करेंगे मींस जिस इनर वर्क की वजह से आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं वो इनर वर्क आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे एंड यहाँ पर द होली स्पिरिट का कार्ड है आपकी ज़िंदगी में जनवरी 2021 में मेरेकल्स होने वाले हैं आप खुद से प्यार करते हैं आप डिवाइन से प्यार करते हैं वो ही सच्चा प्यार है मेरेकल्स अपने आप होंगे क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ डिवाइन पर विश्वास रखना उस ईश्वर पर विश्वास रखना यही आपका मोड ऑफ एक्शन है एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिक इनसाइट का कार्ड है आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रही हैं वक्त के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं सच्चाई से मुंह आपको कभी भी नहीं मोड़ना है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहना है आपके डिसीजंस में कोई और इंटरफेयर ना करे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ये आपका मोड ऑफ एक्शन है सच्चाई को फॉलो करते हुए अगर आपका कुछ नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं लेकिन आप सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे कैप्रिकॉन्स वेरी 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 ब्यूटिफुल एनर्जीज ओके तो ये आपके मोड ऑफ एक्शन है आपको समझ आ गया होगा ये सब हायर लेवल के मोड ऑफ एक्शन हैं कैप्रिकॉन्स ओके वेरी हैप्पी टू सी दीज कार्ड्स तो आप देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए फॉर जनवरी 2021। सो so, लेट्स कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं फॉर जनवरी 2021। So, what are the messages? What are the blessings from Divine for Capricorns for January 2021? What are the messages? What are the blessings from Divine for January 2021? So, I'll take out the random card Transformation. Okay. डेजर्ट पैसेज ओके रेमबो ब्लेसिंग्स वाओ वेरी ब्यूटिफुल एंड ट्रेवलिंग लाइटली का वर्ड है कैप्टिकॉन्स बदलते आए हैं और बदलते जाएंगे ये एनर्जी है आपके लिए देखिए डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं यहां पर कि आपने पहले खुद को बदला अपने हालात बदलने के लिए अब आप खुद को बदलिए क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करें आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जिसकी वजह से आप कभी दोबारा किसी ब्लॉकेज वाली एनर्जी में आए ठीक है तो एक नए तरीके से आप इस साल की शुरुआत करेंगे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं देखिए जो ईगल्स होते हैं ना वो आसमान के ऊपर उड़ते हैं आपकी बेसी एनर्जीज है ओके तो अब जब आप इतने मेच्योर हो गए हैं तो अपने बारे में भी सोचना अब आपको शुरू करना है एक नए तरीके से आप अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे जनवरी 2021 से तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ थ्री में बदलाव की नहीं है ये आपकी इनर सेल्फ की है इनर सेल्फ मतलब आपकी अपने दिल की इच्छा पहले तो आप वक्त के हिसाब से बदलते आए हैं आपको डिवाइन ने ट्रांसफॉर्म किया है अब आप अपने लिए कुछ करेंगे ओके okay? ये वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है द अदर इज डेजर्ट पैसेज आप अगर अपनी जर्नी को देखें तो आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे लेकिन डिवाइन ने हमेशा आपको संभाला तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये भी उनके प्लान का ही हिस्सा है वो आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे इसलिए डिवाइन ने आपको इतना ट्रांसफॉर्म किया लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को भूल गए आप लोगों की सर्विस में लग गए ठीक है तो अब आपको खुद के लिए जीना है और इस रास्ते पर आप चलते जाइए आगे से आगे बढ़ते जाइए आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ आ गए कैसे चले थे कितनी मुश्किल आपकी जर्नी थी क्योंकि यही डिवाइन का प्लान वो आपको आपके सारे सवालों के जवाब डिवाइन इस मैसेज से आपको दे रहे हैं एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है रेनबो ब्लेसिंग रेनबो के सेवन कलर्स आप जनवरी 2021 में एंजॉय करने वाले हैं डिवाइन आपको हर एक चीज के लिए ब्लेस कर रहे हैं हर एक चीज के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं आप अपनी जिंदगी में सक्सेस की एनर्जीज को एंजॉय करने वाले हैं आप अपने लव लाइफ में सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं आप जॉब करियर फाइनेंसेस हर एक चीज में सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं आप खुशहाल जिंदगी जीने वाले हैं 2021 से जनवरी की शुरुआत तो ऐसे ही होने वाली है वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी और ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए दूसरा है ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है आप आराम से चलते जाइए कैप्रिकॉन्स आई नो आप डिवाइन पर बहुत भरोसा करते हैं आप ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं आप निरंतर इस पाथ पर आगे की तरफ को बढ़ते जाइए और घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप ऑलरेडी इस पाथ को ट्रैवल कर रहे थे आपको डिवाइन पर भरोसा होने की वजह से डिवाइन ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है ये डायरेक्शन जो नई डायरेक्शन आपको मिलती है हमेशा डिवाइन सपोर्ट से मिलती है तो इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे की तरफ को बढ़ते जाइए यही मैसेज है डिवाइन का आप लोगों के लिए सो आई होप कैप्रिकॉन्स आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो किसी प्रॉब्लम में हों और उन्हें अपनी प्रॉब्लम से निकलने का तरीका ना मिल रहा हो उन्हें मेरी वीडियो से कुछ सोल्यूशन मिल सकता है कुछ मोटिवेशन मिल सकती है तो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग सी यू सून